तो दोस्तों तुम लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड्स पर यह मैं लेकर आ गया हूँ आज जंसू टावर आज हम जंसू टावर डालेंगे और यहां पर मैं एक मिनट एफ नाइन से हटाता हूं और माइकल को जरा स्लाइड करवाते हैं देखते हैं सही स्लाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता जंसू टावर की यही खासियत है कि इसमें स्लाइड बहुत अच्छा होता है चलो माइकल बेटा स्लाइड करो मुंह केवल जा रहा है भैया माइकल अब ये नीचे गिरेगा या डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जाएगा वो मुझे नहीं पता क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक स्लाइड है ये गया गया कांग गया हाँ भैया स्विमिंग पूल में ही गया है देख सकते हो स्विमिंग पूल में गया तैर के माइकल बाहर निकल जाओ बहुत तैर लिए तुम यहां पर बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो हमें झानसू टावर डालना है बाहर निकलो बाहर निकल बाहर निकल माइकल बाहर निकल यहां देखो दोस्तों कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है हम लोग ये झानसू टावर की खासियत है भैया एक तो इतनी ऊंचाई पर है हम लोग और ऊपर से इसमें इतनी जबरदस्त स्लाइड्स वगैरह भी हैं तो ये झानसू टावर डालने के लिए तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोगों ने दोस्तों सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों तुम लोग फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे तुम्हारे सामने खुल जाएगा जनसु टावर एड ऑन एसपी इसके तुम लोगों ने ये जो डाउनलोड का बटन तुम लोगों को नजर आ रहा है इस पर सिंपली तुम लोगों ने क्लिक करना है नेक्स्ट पेज जा आ जाएगा इसके इस डाउनलोड बटन पर भी क्लिक करना है और इसको तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है इसके बाद दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक को क्लिक करना है जैसे ही तुम लोग सेकंड लिंक को क्लिक करोगे यहां पर यह खुल जाएगा एनिमेटेड जानसू टावर मेन्यू ये मेन्यू में यह समझो कि ये सारे कररेक्टर्स वगैरह आ जाएंगे और ये एनिमेशन वगैरह करने लग जाएंगे इससे ना जानसू टावर में लाइफ आ जाएगी अगर तुम लोग उसको अकेला दिखाना चाहते हो कि कोई भी नहीं है उसमें खाली तुम लोग जा रहे हो तो बेसिकली तुम्हें यह डालने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम लोग दिखाना चाहते हो कि

लोड कर लेना है अब यहां पर दोस्तों देख सकते हो मैंने एक तरफ खोल लिया अपना ये मॉड्स वाला फोल्डर जिसमें जानसू टावर जानसू टावर एनिमेटेड और अल्टीमेट ट्रैक डॉल ये तीनों मॉड्स मैंने डाली हुई हैं और दूसरी तरफ मैंने अपने जी की मेन गेम डायरेक्टरी मेन गेम फोल्डर खोल लेना है अच्छा दोस्तों तुम लोगों को ये कंफर्म कर दूं कि मैंने ये वाली मॉड टावर की एक तो सबसे पहले तो मैंने टेस्ट की हुई है हमारे स्टीम वाले जी टी फाइव पर इस पर मैंने टेस्ट की हुई है बिल्कुल सही चल रही है कोई इशू नहीं आ रहा इसके अलावा मैंने टेस्ट की हुई है 3028 वर्जन पर। ये जो मेरे पास थ्री जीरो टू एट वर्जन है जो मैं अपनी वेबसाइट पर भी बोलता हूं तुम लोगों को बोलता हूं थ्री जीरो टू एट वर्जन डाल लो क्योंकि उस पर सारे मॉड्स चलते हैं मैंने क्या किया हुआ है मैंने अपना स्टीम एपिक रॉक स्टार वाला जो जीटी ए फाइव है वो अलग से सी ड्राइव में डाल के रखा हुआ है ताकि उस पर मैं सिर्फ ऑनलाइन खेलू और कोई भी मसला ना आए क्योंकि जहर सी बात है स्टीम एपिक रॉक स्टार Mods अगर डालोगे तो ऑनलाइन नहीं चल पाएगा चाहिए तो यहां पर तुम लोगों को डिटेल नहीं दे सकता इंस्टाग्राम सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पर जाना है और सेकंड लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर ना है और तुम्हारे सामने मेरी वेबसाइट खुल जाएगी उस पर जाकर पहले वीडियो देख लेना टॉप पर जो वीडियो है और अपना जी डी ए में तुम लोग अपग्रेड कर पाओगे अगर तुम्हारा कोई पुराना वर्जन है और फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग स्टीम के अलावा डालना चाहते हो तो वो भी तुम लोग थ्री जीरो टू एट कर पाओगे तो दोस्तों मैं बता रहा था मैंने स्टीम वाले थ्री जीरो नाइन फाइव वाले वर्जन पर ट्राई किया है थ्री जीरो टू एट वाले वर्जन पर ट्राई किया है और टू सिक्स नाइन नाइन वाले वर्जन पर भी ट्राई किया यानी मैंने तीन वर्जन पर इसको ट्राई किया और तीनों वर्जन पर बिल्कुल सही चल रहा है मैं अभी तुम लोगों को थ्री जीरो टू एट जो मेरी वेबसाइट पर है उस पर डाल के दिखाऊंगा क्योंकि वही मैं रिकमेंड करता हूं तो ये रहा मेरा आइकन डेस्कटॉप पर जो बना हुआ है थ्री जीरो टू एट वर्जन वाला अगर मेरा आइकन डेस्कटॉप पर ही मौजूद है जीट फाइव का तो मैं उस पर हमेशा राइट क्लिक करूंगा और ओपन फाइल लोकेशन आ जाएगा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरा जीटीएफ का फाइल लोकेशन खुल जाएगा देख सकते हो मैंने ने एक तरफ कर दिया ये थ्री जीरो टू एट वर्षन वाला है लेकिन अगर मेरा स्टीम एपिक रॉक स्टार पर है तो मैं स्टीम एपिक रॉक स्टार पर जाऊंगा और यहां पर लेफ्ट साइड पर तुम लोगों को नजर आएगा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फाइव इस पर तुम लोग राइट क्लिक करोगे मैनेज होगा या ओपन फाइल लोकेशन होगा या ब्राउज लोकल फाइल्स होगा ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है जैसे स्टीम में ब्राउज लोकल फाइल्स है इस पर तुम लोग क्लिक करोगे और तुम्हारी जी टी की मेन गेम डायरेक्ट्री खुल जाएगी स्टीम वाली देख सकते हो यहां पर ये खुल चुकी है और यह वर्जन तुम्हें दिखाएगा थ्री वाला बेसिकली मैं इसको अभी बंद कर देता हूं मैंने थ्री में करना है इस वजह से मैं स्टीम भी बंद कर देता हूं मैंने यहां पर अपनी गेम फोल्डर गेम डायरेक्टरी खोल ली है थ्री जीरो टू एट वाली ये मैंने वैसे ही खोली है जी टी फाइव के आइकन पर मैंने राइट क्लिक किया ओपन फाइल

तो तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोगों ने पहले जाना है मॉड्स के फोल्डर में फिर जाना है अपडेट में फिर जाना है x64 में फिर जाना है डीएलसी पैक्स में यहां पर तुम लोगों को मेरे पास नजर आ रहा है जे टावर लेकिन तुम लोगों के पास नहीं होगा बाकी सारे फोल्डर्स होंगे अगर मॉडिंग करते हुए आ रहे हो लेकिन जे टावर का फोल्डर नहीं होगा तो यहां पर दोस्तों मैं क्या करूंगा मैं यहां पर झानसू टावर का जो मेरा पहला मॉड है जो मैंने डाउनलोड किया था इसको मैं डबल क्लिक करके खोल लूंगा और यहां पर मैं जाऊंगा झानसू टावर के फोल्डर में और यहां पर मुझे नजर आएगा जे टावर का फोल्डर मैं इस फोल्डर में जाऊंगा तो यहां पर डी एल सॉट आरपीएफ यानी ये वाला फोल्डर मैंने मॉड्स में यहां पर डी पैक्स में कॉपी पेस्ट करना है हमेशा की तरह मैं यहां से वापस जाऊंगा इस फोल्डर को यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा क्लिक करके उठाकर ले जाकर छोड़ दूंगा मॉड्स में अपडेट में एक्स सिक्सटी फोर में डीएलसी पैक्स के फोल्डर में यहां पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसको थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये रिप्लेस का साइन मेरा इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मेरा ये पहले से मौजूद है तुम्हारा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा अगर पहले से नहीं है मैं इसको फिर भी रिप्लेस कर देता हूं ताकि तुम लोगों को पूरा शुरू से करके दिखा दूं यहां पर मेरा जे टावर आ चुका है अब यहां से दोस्तों जे टावर वाले डीएलसी पैक से मैं वापस चला जाऊंगा यहां से फिर से वापस जाऊंगा फिर से वापस जाऊंगा फिर से वापस जाऊंगा जी टी की मेन गेम डायरेक्टरी में आ चुका हूं अब मैंने क्या करना है ये जे टावर वाला जो फोल्डर है इसको मैंने यहां से अभी फिलहाल मिनिमाइज कर देना है या कट कर देना है और मैंने वापस दोबारा से आना है और जे टावर एनिमेटेड मैंने ये वाला जो फोल्डर है हमारा इसको मैंने इस फाइल को डबल क्लिक करके खोलना है यहां पर मुझे नजर आएगी फाइल जे टावर एनिमेटेड डॉट एक्स फाइल एक्सएमएल फाइल हमेशा मेन्यू ट्रेनर में जाती है तुम लोगों को पता ही होगा ये बात तो मैंने क्या करना है यहां पर मेन्यू स्टफ का फोल्डर होगा मॉड्स वाली वीडियो देख लोगे ना तो मेन्यू ट्रेनर भी तुम्हारा डल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा ये मेन्यू स्टफ के फोल्डर में मैं जाऊंगा फिर मैं जाऊंगा स्पूनर के फोल्डर में और यहां पर देख सकते हो मेरा जे टावर एनिमेटेड पहले से ही है ये लोग वगैरह और उनकी हरकतें वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट करवा दोगे तुम लोग जी टी में अगर तुम लोग ये वाली मॉट डाल लोगे तो वरना तुम्हारा जे टावर बिल्कुल सन्नाटा सा लगेगा तो हम लोगों ने क्या करना है ये जो जे टावर एनिमेटेड डॉट एक्सएमएल वाली फाइल है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा उठाकर ले जाकर छोड़ दूंगा हमारे मेन्यू स्टफ के स्पूनर वाले फोल्डर में यहां पर मैंने ये छोड़ा रिप्लेस का साइन मेरा इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि पहले से ही है तुम्हारा हो सकता है ना दिखाए तुम लोगों ने इसको रिप्लेस कर देना अगर दिखाता है वरना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहां पर आ जाएगा जे टावर एनिमेटेड अब यहां से दोस्तों मैंने फिर से वापस जाना है फिर से वापस जाना है GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आ जाना है जे टावर एनिमेटेड वाले से मैं वापस चला जाऊंगा और अब मैंने खोलना है अल्टीमेट अट्टीमेट डॉल मॉड ये बेसिकली मॉड तुम्हें डॉल बनाने का ऑप्शन देगा जैसे मैंने अभी बताया इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और इस मॉड के अंदर मैं जाऊंगा यहां पर अल्टीमेट डॉल मॉड का फोल्डर होगा इसके अंदर मैं जाऊंगा यहां पर मॉड का फोल्डर होगा इसके अंदर मैं जाऊंगा यहां पर मैं डबल क्लिक करके मॉड के फोल्डर में आ गया और यहां पर मेरे पास जितनी भी ये जो तीनों फाइल्स हैं ये मैंने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में ये जो हमारे स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है इसके अंदर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है बेसिकली अगर तुम लोगों ने मॉड वाली वीडियो देख ली होगी फिर से बोल रहा हूँ जो थ्री स्टेप्स में मॉड डालने वाली वीडियो है तो तुम्हारा मेन्यू स्टफ का फोल्डर भी होगा मॉड्स का फोल्डर भी होगा और स्क्रिप्ट का फोल्डर भी होगा तो हम लोगों ने जाना है स्क्रिप्ट के फोल्डर में और यहां पर ये जो तीनों फाइल्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करूंगा और क्लिक करके इनको ड्रॉप कर दूंगा स्क्रिप्ट के फोल्डर में यहां पर मैंने इनको ड्रैगन ड्रॉप किया फिर से मेरा रिप्लेस इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि पहले से है फिर भी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं ताकि तो मैं तुम लोगों को शुरू से बिल्कुल करके दिखा दूं। ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहां पर तुम लोग अल्टीमेट ट्रैक डॉल के इस वाली सेटिंग पर क्लिक करोगे ना जिस पर लिखावा रहे है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स तो तुम्हारे सामने ये सारे ऑप्शन दिखा देगा कि कैसे हम लोगों ने इसको एक्टिवेट वगैरह करना है जैसे यहां पर दिखा रहा है रेड डॉल की जो है वो एक्स से होगी कंट्रोलर की जो है स्क्रिप्ट पैड राइट से होगी सेकंड कंट्रोलर की तुम लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो इस पर तुम लोग डबल क्लिक करोगे तो यहां पर यह नोट पैड पर खुल जाएगा और उसमें चेंजेस वगैरह तुम लोग कर सकते हो एक्स को वाई बनाना चाहो जी बनाना चाहो कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो अपने हिसाब से यहां पर दोस्तों इसको मैं कट कर देता हूं मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करने यहां से मैं वापस चले जाता हूं अब मैंने क्या करना है मैंने खोलना है अपना ओपन आईवी बेसिकली दोस्तों तुम लोगों ने बेसिक मॉड वाली वीडियो अगर देख ली होगी थ्री स्टेप्स में मॉड्स डालने वाली तो तुम्हारा ओपन आईवी भी डल चुका होगा उसको पूरा सेट कर लिया होगा तुम लोगों ने तो तुम लोगों ने क्या करना है अपना ओपन आईवी खोलना है ओपन आईवी खोलते ही हमेशा सबसे पहले हम लोगों ने अपना एडिट मोड ऑन करना होता है इसको मैं यहां पर येस कर देता हूं और यहां पर मैं जाऊंगा अब मॉड्स के फोल्डर में फिर जाऊंगा अपडेट में यहां पर मैं जाऊंगा अपडेट डॉट आर पी एफ में और यहां पर जाऊंगा कॉमन में फिर जाऊंगा डेटा में और यहां पर तुम लोगों को नजर आएगा डीएलसी लिस्ट ऑट एक्सएमएल इस पर मैं हमेशा राइट क्लिक करूंगा तुम लोगों को हमेशा मैं बताता हूं कि राइट क्लिक किया करो इस पर मैंने राइट क्लिक किया एडिट मोड लाजमी ऑन होना चाहिए और जी टी एफ आई पीछे बंद होना चाहिए अगर जी टी फाइव चल रहा होगा तो तुम्हारी कोई भी एडिटिंग वगैरह मॉड वगैरह नहीं डलेगी तो हमेशा जी टी एफ आई बंद कर दिया करो ओपन आई वी के एडिट मोड ऑन कर दिया करो डीएलसी लिस्ट पर राइट क्लिक किया करो और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है एडिट का इस पर क्लिक कर दिया करो अब तुम्हारी यहाँ पर एक्सएमएल की सारी फाइल वगैरह सारी सेटिंग्स वगैरह खुल चुकी हैं अच्छा दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से सुन लो कि डीएलसी लिस्ट की फाइल में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करना एक्स्ट्रा स्पेस भी इसमें नहीं आना चाहिए वरना तुम्हारा एक्सएमएल सिंटेक्स एरर आने लग जाएगा तो एक्सएमएल इस फाइल में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करना जैसे मैं दिखा रहा हूं सिर्फ वही स्टेप्स फॉलो करना मेरे यहां पर देख सकते हो जे टावर की फाइल लास्ट में लाइन नजर आ रही है लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल हटा देता हूं ताकि तुम लोगों को शुरू से करके दिखा दूं तुम लोगों की ऐसा होगा पाच क्लोज हो रहा होगा ये स्लैश का मतलब होता है क्लोज हो गया पाच क्लोज हो रहा होगा और उसके ऊपर कोई भी लाइन तुम्हारी हो सकती है जैसे दुबई की मॉड की है तुम्हारी तो एमपी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की हो सकती है डे की हो सकती है पैच की हो सकती है कोई भी जो भी लास्ट लाइन है तुम तो लोगों ने पूरी लास्ट लाइन को यहां पर सेलेक्ट करना है और इसको राइट क्लिक करना है और यहां पर तुम लोगों ने कॉपी कर देना है यहां पर एंटर एंड में तुम लोगों ने यहां पर लाकर ये जो आ गया ना ये हमारा जो ये समझो कि मारा तो यहां पर मेरे पास न्यू लाइन बन गई अब यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये सेम लाइन हो जाएगी जो भी तुम्हारी लास्ट लाइन होती है कुछ भी लिखा हुआ है उसमें वो तुम्हारी डुप्लीकेट हो जाएगी सेम लाइन आ जाएंगी अब सिंपली दोस्तों ये जो यहां पर मेरा दुबई लिखा हुआ है तुम लोगों का भी दोनों स्लैश के बीच में जो भी लिखा हो देख सकते हो डीएलसी पैक्स फिर दो स्लैश आ गए फिर आईटी क्लोज हो गया यहां पर जो भी तुम्हारा लिखा हुआ है स्लैश के बीच में उसको पूरे को मिटा देना ऐसे दोनों स्लैश साथ में हो जाने चाहिए और यहां पर अब हमारा जो जे टावर का मॉड था यहां पर मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं ये जो जे टावर लिखा हुआ है ऐसा ही हम लोगों ने सेम यहां पर भी लिख देना है देख सकते हो जैसे यहां पर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम ऐसा ही यहां पर हो चुका है बिल्कुल सेम हमने बनाना है और फिर मैंने इसको सिंपली सेव कर देना है बाकी कोई भी छेड़खानी डीएलसी लिस्ट में नहीं करना एक डॉट भी कहीं भी नहीं आना चाहिए वरना एक्सएमएल सिंटेक्स एरर आ जाएगा यह सेव करने के बाद दोस्तों हमारी कंप्लीट जे टावर की सारी की सारी फाइल्स डल चुकी हैं और जनसू टावर अब हमारे जी टी में लोड हो जाएगा अगर अभी भी दोस्तों कोई भी इशू आता है कोई भी मसला आता है तो सिंपली नीचे कॉमेंट कर देना और मैं हमेशा की तरह हर कॉमेंट का जवाब देता हूं तो तुम लोगों की भी कॉमेंट का लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों के प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी की पूरी कोशिश करूंगा मेरे चैनल को दोस्तों ये दिनूप को सब्सक्राइब करने का फायदा ही ये है कि एक तो हर कमेंट का जवाब मिल जाता है और दूसरा अगर मेरे चैनल पर वीडियो वगैरह तुम्हें नहीं मिलती तो भी कमेंट पर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जानी है क्योंकि बातें जवाब मिल जाना है थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि जैसी बात है बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स होते हैं तीन हजार से भी ज़्यादा कॉमेंट होते हैं रोजाना के बेसिस पर तो मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होता है तो थोड़ा वेट कर लेना और हाँ जी टी ए फाइव का वर्जन लाजमी लिखा करो अपने प्रॉब्लम में जो कॉमेंट में लिख रहे हो क्योंकि जैसी बात है जी टी ए फाइव के ट्वेंटी थ्री वर्जन हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है गैस करना इसलिए जी टी फाइव का वर्जन अपना लाजमी लिखा करो और नीचे कॉमेंट कर देना कोई भी इशू आता है अब मैंने क्या करना है मैंने यहाँ पर अपना जी टी ए फाइव ये जो है थ्री जीरो टू एट वाला जो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि मेरी वेबसाइट से कर लो थ्री जीरो टू एट वर्जन पर अपग्रेड डाउनग्रेड जो भी करना चाहते हो यहां पर ये जो GTA फाइव मुझे नजर आ रहा है देख सकते हो थ्री जीरो टू एट है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं और यहां पर मेरा GTA फाइव खुलने लग जाएगा जब तक दोस्तों GTA फाइव खुलता है तुम लोगों ने सिंपली वीडियो को लाइक जरूर कर देना है मैं जानता हूं यार बड़ा मुश्किल काम है बहुत ज्यादा मेहनत होती है लाइक के बटन को ठोकने में लेकिन प्लीज यार कोशिश करके लाइक के बटन को हिम्मत करके थोड़े अपने हाथ में जान डाल के लाइक के बटन को ठोक दो जब तक मेरा ये जी टी फाइव स्टार्ट होता है क्योंकि यार जैसी बात है लाइक तुम लोग करोगे तो ही मेरी वीडियो आगे जाएगी यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरा जी टी फाइव लोड हो चुका है मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और जैसे ही बाहर निकलोगे अपने घर के पीछे ही देखोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें बड़ा सा टावर नजर आएगा ये जो नजर आ रहा है यहाँ पर ये रहा जो टावर ये जो टावर है ये जानसू टावर है अब इस पर जाना कैसे सिंपली अपने घर के पीछे जाओगे और ये जानसू टावर की तरफ आ जाओगे मैं तुम लोगों को मेन्यू से ले जाकर दिखा देता हूँ एफ नाइन मैंने ऑन किया यहाँ से माइकल को पकड़ता हूँ और इसको ले जाता हूँ जानसू टावर पर ये देख सकते हो बिल्कुल घर के पीछे बना हुआ है ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से तुम लोग आ जाओगे और यहाँ पर हमें जाना है टॉप पर एक मिनट ज़रा टॉप पर लेकर चला जाऊँ फिर तुम लोगों को स्लाइड्स वगैरह का भी दिखा देता हूँ और लोगों को कैसे लोड करना है वो भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से मैं आया ये टॉप पर और ये अभी फ़िलहाल माइकल को रख दूँ मैं स्लाइड पर यहाँ पर मैंने रख दिया इसको स्लाइड पर यहाँ पर रख दिया और बेसिकली अभी देख सकते हो बिल्कुल एम है कोई भी नहीं है इसमें ना कोई बंदा है ना बंदे की जात है बिल्कुल सन्नाटा हुआ, हुआ है तो हम लोगों ने लोड कैसे करना है हमने यहाँ पर एफेड क्लिक करना है मेन्यू ट्रेनर हमारा खुल जाएगा मैं आऊंगा यहां पर ऑब्जेक्ट स्पूनर में ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाने के बाद मैं आऊंगा सेव्ड फाइल्स में और यहां पर हमारे सामने नजर आएगा जे टावर एनिमेटेड डॉट एक्स जो हम लोगों ने स्पूनर के फोल्डर में डाला था मैं इस पर क्लिक करूंगा एक बार एंटर मारूंगा और यहां पर आएगा लोड प्लेसमेंट मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और मेरा यहां पर प्लेसमेंट लोड हो जाएगा सारे के सारे एनिमेशन और करेक्टर्स वगैरह सारे के सारे लोड हो जाएंगे जान टावर के टॉप पर यहां पर दोस्तों देख सकते हो सारे के सारे बंदे वगैरह आ चुके हैं नहा रहे हैं धो रहे हैं स्लाइड यूज कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और माइकल फिर से यहाँ पर आ चुका है बेसिकली ऐसे तुम्हारे ये सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स वगैरह लोड हो जाएंगे अब माइकल को दोबारा से मैं स्लाइड के ऊपर लेकर जाता हूँ और तुम लोगों को दिखाता हूँ कि रैक डॉल मॉड वगैरह कैसे यूज करना है यहाँ पर मैंने इसको यहां पर खड़ा कर दिया एफ से हटा दूँ जरा वापस चला जाऊँ एक मिनट एफ एट से वापस गया एफ दबाया माइकल से हट गया एफ दबा दिया अब बेसिकली मैंने अगर रैक डॉल मॉड अपना ऑन करना है ना तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक्स दबाना होगा देखो कैसे ये मैं थोड़ा स्लाइड के पास आया और यहां पर मैं एक्स दबा दूंगा ये देखो मैंने एक्स दबाया और माइकल बन चुका है रैक डॉल यानी बिल्कुल एक तरह से स्लाइड कर रहा है वो पुतला बन चुका है जमीन पर गिर चुका है मर चुका है और यहां पर जैसे ही गिरेगा तुम तुम लोग एक्स एक बार और दबाओगे और दबाओगे पर पर ये तैरने लग जाएगा यहां पर जब भी दोस्तों तुम लोगों को इसको रैक डॉल बनाना हो यहां पर सिंपली तुम लोगों ने एक्स दबाना है यहां पर मैंने दो बार एक्स दबाया तो देख सकते हो कैसे रैक डॉल बन चुका है ये मर चुका है बिल्कुल डेड बॉडी बन चुका है तो यहाँ पर ये रैक डॉल बनाने के लिए तुम लोगों ने एक्स दबा के रखना है एक्स छोड़ोगे तो ये रैक डॉल से हट जाएगा देख सकते हो दोस्तों कितना जबरदस्त लग रहा है बिल्कुल लाइव जन हमारा बन चुका है इसमें लोग भी हैं और इसमें स्लाइड्स वगैरह भी हैं इसमें यहाँ पर तुम्हारा हेलीकॉप्टर भी है सारी की सारी चीजें तुम्हारी आ जाएंगी और खूब मजा आ जाएगा तुम लोगों को ये जंसू टावर डाल के इंजॉय uh, करोगे तुम लोग वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मॉड है बहुत ही मजेदार तफरी मॉड है कोई एसच बेसिक इसका कोई काम वगैरह नहीं है लेकिन अगर इंजॉयमेंट वगैरह करना है स्टोरी वगैरह बनाना है तो ये मॉड बहुत जबरदस्त है तुम लोग भी ये मॉड डालो और इंजॉय करो इसके अलावा दोस्तों ये वाली वीडियो लाजमी देख लेना बेस मॉड की तीन स्टेप्स में सारे बेस मॉड डाले ताकि तुम्हारे सारे मॉडिंग के मसले सॉल्व हो जाए और हर तरह की मॉडिंग कर पाओ जीटीए फाइव में इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा तो एंड स्क्रीन पर इसको क्लिक करके तुम लोग वीडियो देख सकते हो और बेस मॉट सारी की सारी डालोगे अब इसको यहां पर जो कोने पर खड़ा है ना गलत जगह पर खड़ा है इस बेचारे को जरा यहाँ से नीचे फेंक नीचे गिर जा 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 गिर जा गिर जा ये बात गया बिचारा नीचे गया खत्म कहानी